हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 300 के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। आप सबको बताएंगे इस गाड़ी के पॉजिटिव नेगेटिव, एंड जो मेरे साथ ओनर है वो आपको इस गाड़ी का बिल्कुल एक अच्छा ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो और आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, तो ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो मेरे साथ है SDO राम जी, जिन्होंने ये गाड़ी खरीदी है पेट्रोल में। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। थैंक यू। तो सर, ये कौन सा वेरिएंट XUV 300 का और ये आपको कितने का पड़ा ऑन रोड? ये महिंद्रा XUV 300 W8 है। इसके ऊपर एक W8 ऑप्शनल आती है, उसमें बस रूफ टॉप और कुछ थोड़े एडिशनल फीचर्स का डिफरेंस है। ये ऑन रोड मुझे 11,11,000 की पड़ी, जिसमें 14,000 की एक्सेसरीज इंक्लूडेड है। ओके। जिसमें एक 9,000 का क्रोम पैकेज था और 5,000 में मडगार्ड और ये मैट वगैरह इंक्लूडेड हैं कुछ। ओके। तो सर, ये आपको कितने दिनों में गाड़ी डिलीवर हो गई थी बुक कराने के बाद? ये लगभग 20 दिन के अंदर डिलीवर हो गई थी। बाकी 20 से 30 दिन, एक महीने के अंदर अगर बुकिंग पर मिल जाती है। बात करें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, कि इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ी आती है, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इंडेक्सन ले, वेन्यू ले या फिर कोई और गाड़ी ले। तो आपने ये गाड़ी खरीदने से पहले डेफिनेटली कंपैरिजन किया होगा, टेस्ट ड्राइव भी किया होगा कि कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो आपने किस किस गाड़ी के साथ कंपैरिजन किया और फिर XUV का ही मन क्यों बना? एक तो मैं सबसे पहले, जैसे कि आज के टाइम पे किया की गाड़ियाँ काफ़ी मार्केट में एक अट्रैक्टिव उसमें हैं, उनका नो डाउट लुक में तो वो बहुत काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन जैसे किया सोनेट आई इस सेगमेंट में, तो किया सोनेट का जब टेस्ट ड्राइव किया, तो उसमें बस वो जो टेस्ट ड्राइव कराते हैं वो वहाँ पे जनरली डीजल गाड़ी रखते हैं या फिर टर्बो इंजन वाली गाड़ी रखते हैं। अगर इस सेगमेंट में 1.2 इस रेट के अंदर विद इन 10 लाख अगर आपको 10-11 में लेनी है, तो विदाउट टर्बो मिलेगी और उसका पिकअप और टॉर्क इतना अच्छा नहीं है इसके कंपेरिजन में। और थोड़ी सी उनका, जहाँ तक हम गए थे, मैंने हिसार से लिए, हिसार वाले शोरूम में गए थे, तो उनके गाड़ियों की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, तो उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है कस्टमर्स के प्रति। वो कुछ एडिशनल चार्जेज लगा रहे हैं उसमें, जैसे बोल रहे हैं कि कंपलसरी 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी आपको लेनी है, 20,000 की आपको एक्सेसरीज लेनी है तभी गाड़ी देंगे। तो इस वजह से हमने उसका प्लान कैंसिल किया। बाकी नेक्सॉन भी अच्छी गाड़ी है नो डाउट, लेकिन थोड़ा उसका लुक और थोड़ा उसके एवरेज और एक दो चीज़ों की वजह से उसका प्लान ड्रॉप हुआ। फिर ये महिंद्रा XUV में गए, महिंद्रा के शोरूम में गए, ये गाड़ी देखी, तो इसमें ये इसका बूट स्पेस बहुत अच्छा है और इसमें फंक्शंस काफ़ी एड ऑन हैं कई सारे। इसके सबसे मेजर जो इसकी चीज़ है वो है कि इसके सेफ्टी फीचर्स, इसमें जो ड्राइवर है वो गाड़ी के हाफ मिड में बैठा है और इसका आगे काफ़ी हैवी इंजन है, बोनट भी काफ़ी हैवी वेटेड है और वैसे भी इसी सेफ्टी में सबसे इंडिया की टॉप मोस्ट सेफेस्ट कार में, इंडिया की नंबर वन सेफेस्ट कार है। इसमें प्लस में इसमें क्या है कि जो टॉर्क दिया है वो काफ़ी अच्छा टॉर्क है शुरू में, तो आप अगर शुरू में अगर सेकेंड गियर में भी उठाओगे पेट्रोल की गाड़ी में, तो बहुत अच्छा आराम से स्मूथली उठती है। ओके। तो कहीं आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं लगी अगर आपने 5 लोगों के साथ गाड़ी ड्राइव की होगी, ओवरटेकिंग में कहीं, पिकअप में कहीं इशू लगा आपको? अभी तक इस तरह से कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं दिखी जो मैंने पहले नहीं सोची हो और मतलब कुछ हो इसमें। अभी काफी इसकी काफी स्मूथ है, पेट्रोल है तो नो डाउट साउंड भी नहीं करती है, लुक में भी काफी बेटर है आगे से भी आगे और पीछे भी बूट स्पेस अच्छा है। और जो इस गाड़ी का कलर, आपने ब्लैक कलर चूज किया है, तो ब्लैक का ही प्लान कैसे बना, क्योंकि जनरली लोग व्हाइट प्रेफर करते हैं? एक्चुअली मैं दो रीजन थे, एक तो हमारे पास पहले से व्हाइट थी, तो एक थोड़ा सा चेंज करना है इसलिए ब्लैक लिया। बाकी आज के टाइम में थोड़ा सा लोगों का और जिस तरह की एज है अपनी उसमें है कि एक ब्लैक कलर हो उसमें, प्लस में एक थोड़ा अगर क्रोम का आपको सेट लगवाना होता है गाड़ी में तो वो व्हाइट पे इतना शूट नहीं करता जितना ब्लैक पे करता है, और थोड़ा अगर साफ रहे अच्छे से तो ब्लैक के बराबर मतलब अच्छा दिखने में हर चीज में, ये मुझे बेटर लगी। ओके। और डिजाइन की बात करें तो आपको जेन्युइन में क्वेश्चन पूछूं तो डिजाइन में आपको सबसे बढ़िया गाड़ी कौन सी लगी इस सेगमेंट में? अगर लुक वाइज देखें तो नो डाउट किया की गाड़ी थोड़ी लुक में मतलब अच्छी है, लेकिन
किया की गाड़ी में यही है, उसमें पावर कम है इस जितनी इस रेंज में आप जाओगे। दूसरा, एक किया की गाड़ी में अभी वो जैसे लॉन्च हुई है, कल को मान लो एक साल बाद उसमें कोई भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अभी उनका भी जस्ट ट्रायल है। कई बार गाड़ियों में अभी किया सेल्टोज में एक डीजल वाली में कुछ दिक्कतें भी आई हैं, तो सभी की गाड़ियों को वापस बुला के सही भी कर रहे हैं, तो इस तरह का एक ट्रस्ट नहीं है। लेकिन महिंद्रा है तो इतने दिनों से इंजन बना रहा है, हर चीज है। एक थोड़ा सा ये इंडियन मेक इन इंडिया है और वो कोरियन है, इस वजह से भी थोड़ा इसमें इस तरफ ट्रस्ट ज्यादा था। बात करें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, माइलेज क्या मिल रही है आपको इस गाड़ी से? इस गाड़ी से अभी जो 16 से 18 के बीच में माइलेज मिल रही है। अच्छा, ये आपने गाड़ी जो है 100 प्लस चलाई होगी, ऑन हाईवेज भी चलाई होगी, तो आपको कहीं ऐसा लगा कि ऑन रोड साइड जो नॉइस है वो ज्यादा है या फिर विंड नॉइस जो है वो सामने से वो ज्यादा आ रही है? नहीं, इसका एक्चुअली काफी स्मूथ है, स्मूथ चलती है, कोई इतना नॉइज नहीं है और काफी बैलेंस अच्छा है इसका गाड़ी का। अगर आप 100 प्लस चलाते हो तो कोई भी लगता नहीं है, आपको महसूस ही नहीं होगा कि कब 100 क्रॉस हो गई, तो ये मतलब सारी चीजें अच्छे से बैलेंस, मतलब पूरी स्टेबल लगी आपको 100 की स्पीड पे गाड़ी। ओके, और ये जो ए पिलर्स है जो सामने आप देख रहे हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा कि टर्न लेते हुए इनकी चौड़ाई ज्यादा है, आपको विजिबिलिटी में देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ लगा? हाँ, ये थोड़ा बहुत महसूस हुआ है अभी तो, लेकिन अभी क्योंकि नए हैं तो एक बार थोड़ी नई के हैबिट भी हो जाती है। ओके, और स्पेस की बात करें गाड़ी में, पीछे तीन लोग बैठने में या ओवरऑल गाड़ी में कैबिन में स्पेस की आपको लगी? पीछे इसमें सबसे अच्छा, इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ी है सबसे ज्यादा इसमें स्पेस है। आप तीन तो बैठ ही सकते हो, अगर आपके साथ में अगर फोर्थ वन भी बैठना चाहे कोई, अगर पतले पतले हैं लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं, बूट स्पेस काफी अच्छा है। तो बाकी गाड़ियों से ये ज्यादा बेटर है बूट स्पेस और बैठने की। और सीटिंग कंफर्ट की बात करें, आपने गाड़ी जैसे अभी आप ट्रेवल करके हैं तो आपको ऐसा लगा कि थकावट हो जाती है, सीटिंग कंफर्ट उतना अच्छा नहीं है? नहीं, सीटिंग कंफर्ट अच्छा है इसमें। आप लॉन्ग ड्राइव पे बिना रुके हुए कंटिन्यू आप ड्राइव कर सकते हैं। ओके, और सस्पेंशन की बात करें, आपको ऐसा फील हुआ कि झटके जो है ज्यादा लगते हैं इस गाड़ी में? नहीं, उस मामले में भी ये ठीक है, अगर ब्रेकर पे कई बार क्रॉस भी कर जाती है स्पीड में, तो ऐसा नहीं है कि एकदम गाड़ी वो हो गई, अपना अच्छे हैं काफी इसके सस्पेंशंस। बात करें ब्रेकिंग सिस्टम की, इस गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम कैसा लगा? ब्रेकिंग सिस्टम इसका मैं एवरेज कहूंगा, एवरेज है। आप अगर स्पीड में चला रहे हो तो काफी अच्छे कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि नो डाउट ABS है तो अच्छे हैं ब्रेकिंग सिस्टम भी। ओके, और इस गाड़ी में आपको सबसे अच्छी चीज है क्या लगी? एक तो इसमें जिस टाइम टेस्ट ड्राइव की थी उस टाइम इसका गाड़ी मैंने चला के देखी थी, सेम जो लेनी थी मैंने वही चलाई पेट्रोल में W8, उसमें सबसे अच्छा मुझे लगा कि पेट्रोल की गाड़ियों में इनिशियली जब पिकअप करते हैं तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा है। उस स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से आप अगर मैंने जिस टाइम ये चलाई तो फर्स्ट टाइम उससे थर्ड गियर में ये चली तो उसमें भी ये मतलब इसने पिकअप ले लिया, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा दिया, जो कि जो डीजल की गाड़ियों में इनिशियल में होता है इसमें है। 1.2 टर्बो इसमें इंजन है तो काफी अच्छा पिकअप है। आप 5 सवारियों में भी ऐसा नहीं है कि गाड़ी एकदम शुरू में धीरे से उठेगी, आराम से पिकअप लेती है। ओके, और गियर लैग्स की बात करें या फिर स्टीयरिंग की बात करें, राइड कंफर्ट की बात करें, ओवरऑल आपको गाड़ी कैसी लगी? स्मूथ स्टीयरिंग में इसके ये फीचर्स दिया हुआ है, इसमें आप अगर सिटी के अंदर हैं तो आप बिल्कुल स्मूथ स्टीयरिंग रख सकते हैं, अगर आप हाईवे पे हैं तो हार्ड स्टीयरिंग रख सकते हैं, ज्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा फीचर्स है जो बाकी के सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं अवेलेबल है इसमें, तो ये आपको काफी अच्छा लगा? हाँ, ये इसके मैंने सारी जगह लगभग एक महीने घूम के जब सारी गाड़ियों में कंपेरिजन करके ली तो मुझे बाकी सभी से ये सेफ्टी में हर चीज में बेटर मिली, इसलिए मैंने इस पर ट्रस्ट किया और ये गाड़ी परचेज की। ओके, और आगे बात करते हैं कमियों की, लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी हर एक डिमांड को पूरा करें, क्योंकि हमने लगभग सभी गाड़ियों के कस्टमर ओनर रिव्यूज़ किए हैं और एक ये गाड़ी थी जो कि अभी पेंडिंग थी, तो इसका ओनर रिव्यू भी आपके लिए ले आया है। तो इस बात पे मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सिर्फ तीन काम है जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए काफी मोटिवेशन का कारण बनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। तो सर, अब ये बताइए कि इस गाड़ी में आपको कोई कमी लगी हो तो वो कौन सी है? वैसे तो इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर इस गाड़ी में अगर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकता था तो थोड़ा इंटीरियर में जो इसका ये म्यूजिक सिस्टम है, ये जो आगे म्यूजिक सिस्टम का है, तो ये थोड़ा सा
इसमें और अच्छा लुक आया जा सकता है जो कि आज की किया की गाड़ियों में आ रहा है या और भी बाकी गाड़ियों में आ रहा है। ये थोड़ा ओल्ड मतलब ओल्ड टाइप का है, इसमें थोड़ा सा इनको बाकी नो डाउट अच्छी गाड़ी है। इंजन नॉइस की बात करें तो आपको इंजन नॉइस कैसी लगी इस गाड़ी में, कितनी नॉइस आती है कैबिन में? इंजन नॉइस वैसे अभी तक जितना चलाया बिल्कुल स्मूथ है, कोई ऐसा महसूस नहीं होता। आप 100+ में भी चला रहे हो तो बिल्कुल कोई साउंड नहीं आती है, बिल्कुल स्मूथली गाड़ी ड्राइव होती है। तो दोस्तों ये था एक XUV 300 का ऑनेस्ट ओनर रिव्यू, और यहाँ माफ़ कीजिए कि हम ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं ले पाए टाइम की कमी की वजह से। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस गाड़ी को लेके, कोई भी आप क्वेरीज आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं, और जैसे ये गाड़ी कुछ और ड्राइव होगी, कुछ और इस गाड़ी से एक्सपीरियंस मिलेगा, हम आप सबसे शेयर करते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलेगा। सो वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।